मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दो घटक दलों में छिड़ा संघर्ष अब कम होता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफा प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सार्वजनिक नाराजगी दर्ज कराई। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी कांग्रेस पर आक्रामक हो गए थे। कांग्रेस भी सपा पर पलटवार करने में पीछे नहीं रही। दोनों तरफ से बयानों के तीर जमकर चलाए गए। अखिलेश यादव की दखलंदाजी के बाद दोनों पार्टियों में विवाद का पटाक्षेप हुआ। वहीं सपा कांग्रेस में छिड़े संघर्ष पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए बड़ी भविष्यवाणी कर दी। सुभाषपा प्रमुख ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। हालिया दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कलह उभर कर सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये से खासा आहत हुए थे। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के बिखरने की वजह विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले नेताओं का एक मंच पर साथ आ जाना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी मोर्चे की हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल करने की महत्वाकांक्षाओं के कारण गठबंधन दलों की आपसी लड़ाई देखी जा रही है, इसलिए यह इंडिया गठबंधन लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता की सलाह पर अखिलेश यादव ने नरमी का संकेत दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि व्यापक हित में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात माननी पड़ेगी। अखिलेश यादव के कहने के बाद सपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमला करना बंद कर दिया और जिस नेता ने कांग्रेस के बारे में जो भी ट्वीट किया था वो डिलीट कर दिया। खैर, ओपी राजभर का कहना है कि इंडिया गठबंधन लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। वैसे में सवाल उठता है कि क्या ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में सफल हो पाएगा या फिर उससे पहले ही टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।